12वीं के छात्रों के लिए ये बहुत जरूरी खबर। इस वक्त की ताजा खबर निकल कर आ रही, अभी अभी 5 मिनट पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने 2022 बोर्ड एग्जाम देने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के रिजल्ट को लेकर किया अचानक एक बड़ी घोषणा। हम आप सभी को बता दें कि यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के 52,40,000 छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म, क्योंकि आज ही जारी होंगे यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। जी हां, साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि इस बार के जो फेल हुए छात्र छात्राएं हैं या कमजोर छात्र छात्राएं, उनके लिए काफी खुशखबरी भरा न्यूज सामने आ रहा है। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस बार 52,40,000 छात्र छात्राओं ने सिर्फ परीक्षा दी है, तो अगर 20,00,000 छात्र छात्राएं फेल होंगे तो ऐसे में काफी ज्यादा छात्र छात्राओं का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में हम आप सभी को बता दें कि सरकार और शिक्षा मंत्रालय समेत यूपी बोर्ड के कई अन्य अधिकारी ने मिलकर के एक आखिरी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस बार सभी छात्र छात्राओं को पास किया जाएगा और सभी को 90% अंक भी दे दिए गए हैं। जी हां, साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि इस बार कमजोर से कमजोर छात्र छात्राओं को पास कर दिया गया है और एक अच्छे नंबर भी दे दिए गए हैं। यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं को 80% से लेकर के 90% अंक दे दिए गए हैं। जी हां, साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि जो छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में 10 प्रश्न में से 5 प्रश्नों को अच्छे से किए हुए, यानी कि सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किए हुए, तो उसे 80% अंक दिए जा रहे हैं, और जो छात्र छात्राओं की राइटिंग काफी अच्छी है तो ऐसे में उन छात्र छात्राओं को 90% अंक देकर पास किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस बार किसी भी छात्र छात्राओं को फेल नहीं किया जाएगा। यूपी बोर्ड से जुड़े लेटेस्ट न्यूज के लिए और न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी